उसका हंगपन दादा तो यही में जन्म हुआ था, इसी जगह में। About Dada, I might have met him more than 10 times. He would come for the mass. Before we come, he's already here, kneeling down, praying. अभी तक मैं जिंदा हूँ हंगपन दादा की वजह से। वो पानी में डूबने से हमको बचाया, इसलिए आपका सामने अभी बैठा हूँ। सराती तो था सर, पेड़ में चढ़ के फल तोड़ के ले आके खा के और दोस्तों को खिलाने का, ये सब तो था। फुटबॉल खेलने में, रनिंग करने में, पेड़ चढ़ने में, जो भी काम है वो उसको जीतना है। ऐसा था, वो बात करता था वो ना, दूसरा को समझाना, दूसरा के साथ बात करना, वो बहुत इंटरेस्ट था। सही रास्ता में था, फिजिकली फिट भी था। एवरी मॉर्निंग रनिंग किया, पुशअप 20 बार 25 बार। इसी टाइम में फौजी का ये निकला इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट होगा कुछ में, ओके तो वो गया। आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। फौजी में जाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए मौका मिला, वो निभाना है। He told me that he is very happy with the work and he is always grateful to God for giving this particular job. He came to meet me and told me, Father, please pray for me. I'm going to Jammu and Kashmir. Kashmir ka Kupwara district. ये location LC के बिल्कुल साथ है। Infiltration ज़्यादातर होता है, तो इनमें काम करने का मज़ा अलग ही है। लेकिन वहाँ पेड़ पौधा नहीं होने के कारण से जो है ऑक्सीजन बहुत ही कम मिलता है। हर जगह माहौल जो है खतरा से भरा हुआ है, चौकाना रहना पड़ता है सर। हमारा कंपनी के अंडर 4 पोस्ट आता है। यहाँ में हमारा हेडक्वार्टर कंपनी है, उसके नीचे में हम साबू पोस्ट हैं, साबू पोस्ट के नीचे में मसरी पोस्ट है। साबू पोस्ट से जब हम मसरी पोस्ट की ओर निकलते हैं तो बीच में एक नाला पड़ता है मीरा नार, जो ऊपर से आता है। उसका फिर आगे आता है एक मसरी रीस, डायरेक्ट शमशाबारी रीस की तरफ निकलता है। On 26th May 2016, Sipai Jain Baite spotted some suspicious movement on the Shamshabari Range. I'm first officer, sir. I'm post point ka aage mein 4 militant aaya hua dekha tha. Subah 6 baje taraf chup chup ke un log nikala tha. Apna OC sahab ko report kiya, sir. Haan, OP, bolo. 4 militant? Acha, general area Meera mein. Theek hai, un pe nazar rakhna lagatar aur mujhe report dena. और ध्यान रखना, कोई फालतू का हरकत नहीं होना चाहिए। 26 मई 2016 ऑपरेशन साबू दादा, 6 बजे तरफ खबर आया। हेलो साबू पोस्ट, हाँ दादा, अभी 4 मिलिटेंट का हरकत दिखा है मीरा नाला से साबू की तरफ। आपने स्टॉप एस्टेब्लिश करना है मीरा नाला से मीरा रिज की तरफ, और ध्यान रखना कोई आपका हरकत नहीं दिखना चाहिए। आई इमीडिएटली प्लेस स्टॉप्स एंड कॉर्डन द एंटायर एरिया। हमने अपना पोस्ट सबको अलर्ट कर दिया, तैयारी किया। 2 टीम में हमने कॉर्डन लगाए नीचे, एक टीम सुबिदार क्रूंग अनल, एक टीम नाइक नजीबुर। हवलदार हंगपन दादा, हु वाज प्लेस्ड इन द साबू पोस्ट, इमीडिएटली मूव्ड अलोंग विद हिज टीम टू ब्लॉक द मोस्ट लाइकली रूट ऑफ एस्केप इन द मीराना। सबसे पहले आगे जाना है हम दोनों ने, मीरा नाला से मीरा रिज की तरफ। साहब ने हमको कवर करने के लिए बताया। कंपनी हेडक्वार्टर ने एमएमजी फायरिंग किया, 2 मिलिटेंट उधर में रुक गया, 2 मिलिटेंट नीचे भाग गया। मिलिटेंट जो है डायरेक्ट नाला की तरफ से आया था, फायरिंग करने की कोशिश किया तो वो छुप गया। पीछे जो है हमारा हवलदार साहब दादा आ रहा था। दादा हम लोग से कम 350 मीटर लगभग था सर। दादा आगे बढ़ा, एक मिलिटेंट को खत्म कर दिया। दादा ने मेरे को बताया है, आप मेरे को स्पॉट फायर करना, मैं आगे जाता हूं। तो
हवलदार दादा थोड़ा साइड से फिर लेटते हुए रेंगते हुए अपना पोजीशन लिया। दादा ने खत्म कर दिया। नेटवर्क नहीं है वहां में, कभी कभार बातचीत होता है। अभी हम लोग जंगल में है, ऑपरेशन ऑन एयर ऑपरेशन ऐसा बोला था ना, मजाक से बोलता था ना, ना सही है तो मालूम नहीं है, बोलता था ऐसे ही। शादी हम लोग चार्ज में क्या था बच्चा लोग, तो पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं। कभी छुट्टी आएगा एक महीना ना, एक महीना आता था, तो वो क्रिसमस समय में नहीं तो चालो लोग को इस समय आता था। सुबह में हम हमेशा 7:30 ऐसे में न्यूज़ देखता है, तो वो देखा है वहाँ में फायरिंग हो रहा है। तो ड्यूटी में चला गया, 7 बज गया। उनको फिर क्लियर किया दोनों मिलिटेंट्स को, क्या क्या सामान है उनको चेक किया। उसके पास तो बाइनोकुलर भी एनवी मोटरोला जीपीएस भी है, खाना पीना रेशन डायरी में मैप भी लेके आया है। वो लोग इतने क्लियर आता है सब। उसके बाद हम दो टोली में बंट गया, एक ओसी साहब की टोली, एक हवलदार दादा की टोली। हवलदार दादा सबसे पहले लीड किया। अरे लेट हो जाएगा, रात होने के बाद तो मिलते निकल जाएगा तो क्या करेगा। दादा भी मोटिवेट करते गए हमारे को, तो हमारा अंदर भी जोश आ रहा था। पत्थर भी काफी था इस शहर में, ढलान में चला गया तो दिखना नामुमकिन। हवलदार दादा मूव्ड क्विकली एंड केम फेस टू फेस विद द थर्ड टेररिस्ट एंड न्यूट्रलाइज्ड हिम। मिलिटेंट के साथ जब फायरिंग होता है तो उसमें हमारा जान का खतरा है, गोली के सामने जाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा देर बाद वो पेट पकड़ के फिर खड़ा होना शुरू हो गया। जो हिम्मत है वो जुटाते हुए अपने क्षमता दिखाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मेरी प्यारी रात 10:30 को फोन किया था। आप मेम साहब है, दादा का मेम साहब है। हाँ मैम साहब, आपको एक बात बताना है। तो क्या क्या हुआ दादा? ठीक है, मैं वही पूछा ना दादा। दिल रोती है, उसके बारे में तो डिफिनेशन देने से कम है, स्याही खत्म हो जाएगा। मेरी प्यारी, मेरी प्यारी, मेरी प्यारी, मेरी जान तेरे लिए दिल रोती है। मेरी प्यारी, मेरी जान, मेरी प्यारी। One beautiful thing he told me, father, even if I am asked to give my life, I am ready for that. अभी तो दादा तो है ही नहीं, मैं इनका फैमिली के लिए हमेशा पटना करते रहूंगा। अभी तब जब से दादा गया, वो है कहीं ना कहीं, वो है, वो ही सोचता हूँ। क्या बनने का आप बड़ा होके बेटा? आर्मी ऑफिसर। ऐसा है क्या आर्मी लोग इतना अच्छा है? दादा जाने के बाद तो बहुत लोग चाहता है अभी आर्मी में जाने के लिए। हवलदार हंगपन दादा वाज नो ऑर्डिनरी सोल्जर, ही वाज एक्सेप्शनल। वी आर स्टैंडिंग एट एप्रोक्सीमेटली 12,000 फीट एंड व्हाट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू इज द शमशाबाड़ी रेंजेस। दिस पैच ऑफ आइस इज द एरिया through which the four hardcore terrorists came on that fateful day of 25th of May and 26th of May in the morning.
बदलू राम का बदन जमीन के नीचे है पर हमको उसका राशन मिलता है. दिस सॉन्ग इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर when the Japanese had laid a siege around one of the company positions near Kohima. Though the company was under siege, they were able to survive as the quartermaster continued to indent for rations even for soldiers who had been martyred in the war. बदलू राम का बदन जमीन का नीचे है.